हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के लिए हम तीन क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है? उसमें भी रूट के विषय में, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग को सबसे फर्स्ट में ध्यान देना है कि एक में दिया हुआ है रूट, इंटीग्रेशन रूट ax प्लस बी, ठीक है, dx, ठीक है? देखिए, इसको पुट करके ही बना सकते हैं और आसान तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम आप लोग को आसान तरीका से सिखाते हैं। तो देखिए तो दोस्तों, तो देखिए ax प्लस बी के पावर, रूट के जो मान है से पावर में 1/2 dx हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी के पावर, देखिए दोस्तों, एक का दो तीन बटा दो, अब इसको उल्टा करके 2/3। अब देखिए वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट है तो ये अलग गया, और यहाँ देखिए बी के साथ में कोई वेरिएबल नहीं, ओनली फॉर कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों, प्लस सी आंसर हो गया, ठीक है? देखिए बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा पूरा देखिए तो आप लोग को निश्चित है कि पूरा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स रूट अंडर 1 + 2x के स्क्वायर dx हो गया। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए पुट करेंगे रूट अंडर वाला के, ठीक है? तो 1 + 2x के स्क्वायर, इसका टू टी मान लिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 + 2x स्क्वायर इसकल टू dt हो गया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, और प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 × 2 = 4, और एक्स के पावर 1 घटा के तो एक तो लिखा नहीं जाता है, छोड़ देंगे इसको, dx बराबर dt, इसको छोड़ देंगे। अब तो बात करेंगे इतना से, तो इधर गुना में तो उधर गया था भाग में, तो dx बराबर dt / क्या हो जाएगा, 4x हो गया। अब नाउ अब क्वेश्चन को उतार देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, एक्स रूट अंडर 1 + 2x के स्क्वायर dx हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, एक्स रूट अंडर, देखिए इसको हम लोग क्या माने थे, टी, तो देखिए इसमें रूट नहीं है, रूट छोड़ का तो यहाँ टी, और dx के मान क्या है दोस्तों, देखिए dt बटा में 4x हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बच गया, देखिए 1/4 बटा में 4 है, इसको बाहर कर देंगे 1 लगा के, अब बच गया रूट अंडर टी डी टी हो गया। तो 1/4, अब देखिए रूट का मान क्या होता है 1/2 और डी टी, तो 1/4, अब इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो टी के पावर 1 + 2 = 3, 3/2 और 2/3 प्लस सी हो गया। अब क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, तो 1/2 × 2 = 6, और टी हम लोग किसको माने थे, तो देखो 1 + 2x के पावर 2 के पावर में 3/2 प्लस सी हो गया ना आंसर, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा पूरा देखिए तो आप लोग को निश्चित है कि पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में दिया हुआ है एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं किसको, तो रूट वाला है, तो देखिए पुट, ओके, एक्स प्लस 2 = t, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 = dt हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx हो गया, और ये कांस्टेंट है तब 0 बराबर dt हो गया। अब ये 0 के छोड़ दीजिए तो dx बराबर dt हो गया दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ अब क्वेश्चन को उतारेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx, अब क्या करेंगे, देखिए एक्स
रूट अंडर इसको हम लोग क्या माने थे, देखिए देखिए क्या है टी हो गया, और डी एक्स के मान क्या है, डी एक्स के मान डी टी, तो नॉर्मल रख दीजिए डी टी हो गया। लेकिन देखिए ध्यान से ये डी टी में है, टी है डी के साथ में, और यहाँ भी टी है डी एक्स्ट्रा, ये अब यहाँ पर क्वेश्चन को यानी कि प्रॉब्लम में रख रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम सब एक्स के मान निकालेंगे, क्योंकि देखिए जो जरूरत पड़ता है उसको हम लोग खोज लेते हैं और जो नहीं जरूरत पड़ता है उसको छोड़ देते हैं। अगर अब भी खोजेंगे यानी समय पर तो खूब ध्यान में रहता है, अगर समय से पहले खोज के रखिएगा तो उसको इधर उधर फेंक देता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, जब जरूरत पड़ेगा तभी खोजेंगे इसको, ठीक है। तो अभी जरूरत है तो हम सब यहाँ पर एक्स के मान खोजना है। तो देखिए दोस्तों एक्स को इधर छोड़ देंगे, ठीक है, और इधर ही प्लस में तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में, आगे एक्स के मान, ठीक है। अब देखिए यहां पर रखते हैं एक्स के मान हो गया टी माइनस टू, ठीक है, और टी ध्यान दीजिएगा ये रूट के मान वन बाई टू और डी टी। अब क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो पता है कि इसका पावर वन है, तो गुना में तो जुटता है, ठीक है, भाग में घटता है। तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, देखिए ये हो जाएगा एगो आधा, वन बाई टू का मतलब आधा, तो कै गो डेढ़ गो, और डेढ़ गो के हम क्या लिखते हैं तीन बट्टा दू, हो गया। माइनस इसमें नहीं है कोई तो लगा देंगे टी के पावर वन बाई टू और डी टी, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। देखिए ध्यान से फिर से एगो और वन बाई टू के मतलब आधा, यानी कि एगो गुना में पावर जुटता है, तो यहाँ जोड़ेंगे पावर तो एगो आधा, तो डेढ़ गो, डेढ़ गो के मतलब होता है तीन बटा दू, तीन रुपया के दो हिस्सा बांटेंगे तो डेढ़ डेढ़ रुपया हिस्सा पड़ेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन बनाएंगे इसको, तो टी के पावर तीन और दो पांच, अब बटा में जो है वही, अब बस इसको गुना करके इधर लिख देते हैं, हो गया उल्टा, अब माइनस दो। अब देखिए टी के पावर एक और दो तीन बटा दो, अब देखिए इसको उलट का दो बटा तीन और प्लस सी हो गया। अब देखिए दो बटा पांच और टी किसको माने थे एक्स प्लस टू के पावर फाइव बाई टू माइनस दो दुना के चार बटा तीन, और टी के मान कितना है एक्स प्लस टू के पावर थ्री बाई टू प्लस सी हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को निश्चित है कि हल्का होगा और आप लोग बढ़िया से समझते होंगे, ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।